हाय गाइस, तो आज की वीडियो इंस्टाग्राम के एक नए फीचर के बारे में है। तो ये काफ़ी पहले से आ चुका है। तो यहाँ पर ब्लॉकिंग जो इंस्टाग्राम में होती है, ब्लॉक करना, तो उसमें एक नया फीचर आया था जिसमें आप बंदे को ब्लॉक कर सकते हो, वो प्लस उसके जो नए अकाउंट बनाएगा वो भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। उसका सोल्यूशन आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो होता है। जैसे कि हमने एक अकाउंट ले लिया, तो यहाँ पर हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और ब्लॉक पे करेंगे, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है ब्लॉक आपका जो यूजर नेम होगा जिसको ब्लॉक करना चाहते हो, एंड न्यू अकाउंट दे मे क्रिएट, मतलब वो जो न्यू अकाउंट भी बनाएगा वो भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको वो वाले अकाउंट भी ब्लॉक नहीं करना चाहते, वो आपको सिंपल ब्लॉक करना चाहते होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ये पहले नंबर पर होने की वजह से जो आपके सभी न्यू अकाउंट भी वो ब्लॉक कर देते हैं। नहीं तो यहाँ पर आप दूसरे बार पे क्लिक करोगे तो आपका यही अकाउंट ब्लॉक होगा। तो ये तो बात रही ब्लॉक वाले फीचर की, तो अभी इसका सलूशन आपको बता दें। तो यहाँ पर अगर आपको किसी ने ये वाला ब्लॉक कर दिया, मतलब आपके जो नए अकाउंट है वो भी सारे ब्लॉक हो रहे हैं, आपको उसका अकाउंट नहीं दिख रहा है नए अकाउंट बनाकर भी, तो आज की वीडियो में आपको उसका सलूशन बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने क्रोम को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आपने लिखना है, तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है मैं क्या क्या लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखना है टेम्प मेल। तो यहाँ पर मेल आपके लिए आईडी बनेगी, तो टेम्प मेल पे आपने क्लिक कर देना है और न्यू टैब ओपन करनी है। वहाँ पर आपने लिखना है instagram.com। तो यहाँ पर इसको ओपन होने देना है। तो यहाँ पर इसकी जो आईडी है इसको हमने कॉपी कर लेना है। हम टेम्प मेल की आईडी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आपको दिख जाता है, तो उस पर क्लिक करके कॉपी हो जाता है। तो दूसरी तरफ आपको इंस्टाग्राम की साइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपने साइनअप करके एक न्यू अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर आप साइनअप कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, पर हम ईमेल से करेंगे। जो आपने उधर टेम्प मेल की आईडी को कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पे कर देना है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन कोड जाएगा टेम्प मेल की आईडी पे। तो यहाँ पर हमने आना है, इसके नीचे करना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, तो इनबॉक्स आपका एम्प्टी अभी रिफ्रेश हो जाएगा और आपको मैसेज मिल जाएगा। तो हमारा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, हम इसको रीड कर लेते हैं और वहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपने ओटीपी फिल कर देना है। तो नेक्स्ट पे करते आपका जो वो वाला डन हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर आपको नाम रखने को कह रहे हैं, आपने कोई भी नाम रख लेना है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड रखना है अपना कोई भी, और यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप चेंज यूजर नेम कर सकते हो, अगर आप अच्छा सा रखना चाहते हो तो। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एक यूजर नेम दे देंगे, तो वो हम रख लेंगे। तो आपका अकाउंट बन चुका है। तो यहाँ पर आपने स्किप कर देना है और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर कहने को इसको स्किप कर देना है। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर कहने को कर रहे हैं, पर इसको आपने स्किप कर देना है। तो अगर आप इसमें पुराना नंबर डालोगे तो इंस्टाग्राम डिटेक्ट कर लेगा, तो ये वही बंदा है जिसको किसी बंदे ने ब्लॉक किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, तो इसको आपने स्किप कर देना है। तो ये तब तक आपका चलता रहेगा जब तक आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करोगे इस अकाउंट से। तो जब आप ज़्यादा फॉलो करने लगोगे तब आपको नंबर फिल करने के लिए दोबारा कहेंगे। तो तब तक के लिए आपको आपका अकाउंट सिक्योर करने के लिए एक ईमेल क्रिएट करना होगा, जो कि ये टेम्प ईमेल होता है, ये टेम्प्रेरी होता है, तो ये आपके आईडी को ब्लॉक कर सकता है। आपको एक ईमेल क्रिएट करना होगा न्यू वाला। तो यहाँ पर स्किप पे आपने कर देना है और यहाँ पर आपकी आईडी बन चुकी है। तो अभी आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आईडी बन चुकी है, तो आपको जो बंदा शो नहीं हो रहा, जिसने आपको और आपके जो न्यू अकाउंट सबको ब्लॉक किया हुआ था, उसको आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर उसका यूजर नेम, तो आपको जो से वो बंदा दिखेगा। तो अभी क्या करना है आपको, तो इधर आपको इसको यूजर नेम कॉपी कर लेना है। तो आपने इसको यूजर नेम कॉपी कर लेना है, प्लस आपको पासवर्ड तो आपने रखा है वो याद होगा। तो आपने इंस्टाग्राम ऐप में जाना है, वहाँ पर इसको लॉगिन कर लेना है और इसकी जो ईमेल होगा वो आपने चेंज कर लेना है, क्योंकि ये टेम्प ईमेल का
ईमेल होता है जो कि टेम्पररी होता है। तो इधर एक बार आप सर्च कर लेते हो यहाँ पर से, तो आपको दूसरी तरफ आपका मिल जाता है। जब आप इंस्टाग्राम ऐप में इसको लॉगिन करोगे तो आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको वही बंदा दिखेगा जिसने आपको ब्लॉक किया होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं बता सकता क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, बट मैंने ये कल ट्राई किया था तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी समझा। तो आपको ईमेल चेंज करने का बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को ईमेल चेंज करना नहीं आता होगा। तो आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर थ्री डॉट होते हैं ऊपर, थ्री लाइंस, उस पर क्लिक करना है। सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपने अकाउंट पे जाना है और यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आपका नंबर और ईमेल देखने को मिल जाता है। नंबर आपने फिल नहीं किया होगा, ईमेल जो टेम्प मेल होगा उसको आपने क्लियर कर देना है, प्लस अपना नया ईमेल इसमें फिल करके ओके कर देना है। तो कंफर्मेशन कोड आपके ईमेल पे जाएगा, वहाँ पर से क्लिक करके आप कंफर्म कर सकते हो अपने ईमेल को। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो कि मेरा रियल वाला है, तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो करके मैसेज जरूर से कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।